देखो मैं उस फेमस हसन, आप लोग फेमस हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर वन पर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वर्ल्ड कप 2024 के लिए किट अनाउंस हो गई है, बड़ी खूबसूरत ये किट है, खूबसूरत हवाले से बात करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बैड न्यूज़ आ रही है, क्या अपडेट है, वीज़ा नहीं मिला जनाब को आयरलैंड का, उसके वजह से बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बड़ी अपडेट आई है, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला साहब ने एक बड़ा बयान दिया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के लिए उड़ने वाली है कुछ ही घंटों में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर पहले मतलब आने वाले जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरी वीडियोज़ को। अगर आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनली शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं। चलो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो किट है वर्ल्ड कप 2024 के लिए, वो अनाउंस हो गई है, बड़ी खूबसूरत ये किट आई है। आप लोग इसकी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं और इसके अलावा इसको परचेज भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स शॉप्स हैं उनमें ये किट आ चुकी है, नहीं भी आई तो थोड़े दिनों में आ जाएगी। और आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पहनाई भी हुई थी, रिजवान को, शाहीन को, काफ़ी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये किट पहनाई भी हुई थी। चलिए इसके बाद आमिर के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम क्रिकेटर आज लेट नाइट जो है वो आयरलैंड की फ्लाइट लेंगे, इंग्लैंड भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी और यही टीम फिर वर्ल्ड कप 2024 में भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी। और एक लंबा टूर है पाकिस्तान का, आई होप सो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टूर पर अच्छा करे आयरलैंड में, इंग्लैंड में, और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। आप लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआ कीजिएगा कि बाबर आजम की क्यादत में पहली मरतबा यूएसए और कैरेबियन की कंडीशन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का टाइटल उठाए और दूसरे कप्तान बने पाकिस्तान की तारीख के बाबर आजम यूनुस खान के बाद, जो कि पाकिस्तान को ये इवेंट जितवाएं। आमिर को वीज़ा नहीं मिला और हमारे पास जो अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक आमिर को अगले 24 घंटों में जो भी आयरलैंड फ्लाइट जाएगी पाकिस्तान से उसमें बैठा के तो रवाना कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। और अगर आमिर 7 मई को नहीं भी जाते तो 8 मई की रात को आमिर की फ़्लाइट हो जाएगी, पीसीबी ने ये अपडेट दिए। तो 2018 में भी इससे पहले आमिर के साथ ये मसले रहे थे, आयरलैंड का वीज़ा उनको नहीं भी मिलता, हालांकि उनकी वाइफ जो है वो यूके, उनकी नेशनलिटी उनके पास है, आमिर की वाइफ के पास, आमिर को उसका बेनिफिट भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आमिर ने यूके की नेशनलिटी छोड़ी और आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन की, रिटायरमेंट वापस ली, तो इस वजह से उनको वो नेशनैलिटी नहीं मिली, तो इसलिए उनको आयरलैंड का भी वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बीसीसीआई के राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ आज डायरेक्ट कि भाई जब बताइए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी फैंस आपको होस्ट करने लाहौर के कदाफी स्टेडियम में तैयार हैं, क्या आप भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगी? तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय सरकार ने निर्णय लेना है, विच मीन्स के इंडियन गवर्नमेंट ने इसका फैसला लेना है, बीसीसीआई को जो इंडियन गवर्नमेंट कहेगी वो वही करेगा। अब देखना ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको अलाउ कर भी देती है, जो न्यू गवर्नमेंट आएगी या बीजेपी की हुकूमत आती है, इलेक्शन का दौर चल रहा है भारत में, तो क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड अलाउ करेगा अपने क्रिकेटर्स को रोहित शर्मा की क्यादत में? क्योंकि रोहित शर्मा तो आना चाहते हैं पाकिस्तान, उनकी टीम भी आना चाहती है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक पीसीबी ने जो आईसीसी को स्केड्यूल बनाया और भेजा है, और आईसीसी ने भी बीसीसीआई को भेज दिया, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भेज दिया, उसके मुताबिक जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो 3 मैचेस अपने इंडियन क्रिकेट टीम लाहौर में खेलेगी जिसमें सेमीफाइनल भी इंक्लूड है। तो ये बीसीसीआई के माइंड में है और साथ ही साथ अब पीसीबी आईपीएल को भी टक्कर देने जा रहा है, पीएसएल जो है, क्योंकि एक ही टाइम पर अब होना है और देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स पीएसएल पिक करता है, कौन से प्लेयर्स आईपीएल पिक करता है। तो ये भी एक पीसीबी ने बड़ा इकदाम उठाया है कि एक तरह से वो टक्कर भी देने जा रहा है बीसीसीआई को और ये बताने जा रहा है कि हमारे अंदर कितना दिल गुर्दा है। इसका क्रेडिट जाता है मुहसिन नकवी साहब को, ठीक है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वो क्रिकेट बोर्ड को लेके जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम आयरलैंड रवाना हो रही है कुछ ही घंटों में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट ने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया, फैमिली से मिल ली हैं, कुछ क्रिकेटर्स की फैमिली साथ जा भी रही हैं, कुछ की नहीं भी जा रही, तो आई होप सो कि अच्छा करेंगी ये टीम। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगली वीडियो में मिलता हूँ, मैं हूँ सर, मेरा फ्रेंड जानते हैं।